तो जिता सना, पर ऑल लेवल पे, हर कुछ पे, मानसिक, शारीरिक, बुद्धिजनक, आध्यात्मिक, सभी लेवल के आसन अगर ठीक हों तो भागवत प्रवेश करेगी आपके भीतर। परीक्षित जी गुरुदेव सुखदेव के पास दिव्यासन लगाकर जिन आसनों को उन्होंने कहा वो आसन ऑलरेडी परीक्षित साध के बैठे हुए हैं। 7 दिन के बाद मृत्यु है और तत्क्षण जिन्होंने अपने परिवार परिजन राज्य सब का त्याग करके गंगा के तट पर आकर पूर्ण मुक्ति, मुक्ति होगी क्या, मुक्ति लेकर ही आए परीक्षित जी। मैंने कहा ना भागवत में, भागवत सुनने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है, मुक्त होके आओगे तो बात बन जाएगी। अब मथुरा के चौबे जी की तरह अगर बांध के रखोगे अपने नाव को तो फिर तो मामला गड़बड़ है भैया, फिर तो रात भर चप्पू चलेगी और पूछेंगे कहां पहुंचाई, गोकुल पहुंच गए क्या, बोला चौबे जी विश्राम घाट पे ही हो, बोला अरे विश्राम घाट पे, बोला हुआ क्या, अरे बोला जो लंगर बंधी थी वो खोली नहीं, रात भर चप्पू चली, नाव यहीं रह गई। तो मुझे लगता है एक व्यक्ति पीछे रहें और जो आते जाएं पीछे ही बिठाते जाएं, तो मेरे सामने आएंगे तो मुझे थोड़ा ये होगा। कथा का नियम यही है, पहले आओ पहले पाओ हर जगह, बाद में आओ और पहले पाओ कैसे चलेगा। और मनीष का गाना वाना हो तो चल भी जाएगा पर तो कथा तो नहीं चलेगी। नाराज मत होना भाई तुम लोग, मतलब हमको रोज ही रोज कुछ ना कुछ बोल देते हैं, अरे हम तो चाह रहे हैं कि तान सेन से स्वामी जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। अरे वृंदावन की पवित्र भूमि है, छोटे मोटे बादशाह के लिए क्या गाना है, गाना है तो उसने उस बड़े बादशाह के लिए गाना है। हमारा गमन धीरे धीरे उधर हो, ग्रेजुअली स्लोली 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 एक एक पद बढ़े हमारा कृष्ण की ओर। हम नहीं कहते कि अभी छोड़ के अपना धतूरा पटक के और बोलो कि हम कृष्ण के हो गए, बट धीरे 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 धीरे, कोई ताली दे चाहे गाली दे हम हो चुके, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके, कोई चुगली करे चाहे गुगली दे हम हो चुके, पर ये भाव भीतर आते रहना चाहिए धीरे 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 धीरे। और दुनिया में कितने आध्यात्मिक आप हो ये कभी कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं पहचान सकता। सबसे ज्यादा पहचान अगर कर सकते हो तो आप सेल्फ को कर सकते हो। आपके जीवन में आनंद कितना है, शांति कितनी है, प्रेम कितना है, मस्ती कितनी है, बस अपना नंबर स्वयं दे देना। 100 में 30 है कि 17 नंबर अभी तक है कि 65 आ चुका है, 99 पे आ चुके हो, कोई तुम्हारा एग्जामिनर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल की बात सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हारे दिल में जितनी प्रसन्नता, हृदय में जितनी प्रसन्नता हो, प्रसादस्तु प्रसन्नता, भागवत जी का प्रसाद क्या है, बोला प्रसन्नता है। लडुआ कचौड़ी पूड़ी तो है ही, खाई लो, वो तो खाना ही है, पर भागवत जी से निकल के लडुआ पूड़ी कचौड़ी खा के भी इसमें नमक ज्यादा था, ये पांडाल अच्छा नहीं था, ये बाबा का तो कथा हम बहुत बार सुने, प्रसन्नता नहीं हुई तुमको भागवत में आने के बाद भी? भागवत से तो प्रसन्न होके निकलते हैं, आनंदित होके निकलते हैं, यही प्रसाद है इसका।